आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र थाना से। महाराष्ट्र से आप? हाँ। हेलो, मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ डल लेक। पहले तो आपको भी थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। ये देखो, ये है शिकारा डल लेक की, और इस साइड से है डल लेक। तो आज मौसम बहुत ही परफेक्ट है हमारे लिए। तो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो जो आप देख रहे हो ना पीछे, वो वाला रास्ता। आज हम उसी रास्ते से जाएंगे और देखेंगे वो वाला रास्ता कहाँ तक जाता है और वहाँ से क्या सीन पड़ता है। और ये देखिए, ये है चार्टर्ड बाइसिकल्स का स्मार्ट बोर्ड। तो वो देखो, ये तो सर्विस स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी मैंने इस पर राइड नहीं की, आगे जाके करेंगे राइड। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं उस वाले साइड से, देखते हैं वहां से भी क्या सीन पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक मसला हो चुका है कि बारिश अब स्टार्ट हो गई है, तो मैं गिम्बल से अभी शूट नहीं कर सकता। गिम्बल बंद रखना पड़ेगा, सेंसर से वो ख़राब हो सकते हैं, तो अब हाथ से ही शूट करना पड़ेगा। कल से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, कल भी बारिश गिर रही थी और आज भी, और रात भर तो तेज़ हवाएं चल रही थी। तो पता नहीं अब मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। अभी तो डेलीगेशन भी यहाँ पर अभी है, तो देखते हैं। हाँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ना अब गिम्बल ही वापस बंद किया क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से वापस ही बंद करना पड़ा। वो है डल लेक ना, डल गेट का हिस्सा, वहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट एंटर होती है, तो यहाँ से फिर जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ब्रिज जैसा बनाया गया है। बस अब बारिश रुकनी चाहिए क्योंकि हाथ से अब अच्छा नहीं लगता है व्लॉग उठाना। अब तो गिम्बल भी लाया है ना, तो हाथ से जब उठाते हैं तो थोड़ा सा शेक होता है, आप भी अभी देख पा रहे होंगे। तो गिम्बल से स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छी रहती है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा मौसम रहेगा अभी। यह है हाउस बोट और साइड में है शिकारा। ये वही हाउस बोट है जो कि आपको उस वाले साइड से दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हाउस बोट्स की लाइन स्टार्ट होती है। और ये तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद अभी बारिश बंद हो चुकी है। यही है ना कश्मीर का सीन, यहाँ पर भरोसा नहीं रहता है कब बारिश पड़ेगी, कब बर्फ़ पड़ेगी, कब धूप निकलेगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए, जैसे स्ट्रीट होती है ना यहाँ की, स्ट्रीट ये है, मतलब एक हिसाब से इसको भी हम स्ट्रीट कहते हैं। ये अंदर कनेक्ट होती है मोहल्ले में, तो थोड़ा सा वहाँ से भी जाएंगे देखेंगे। बाप रे बाप, इस साइड से ना खेती लग रही है राइट लेफ्ट साइड से। और ये देखिए व्यूअर्स, अभी डर लग रहा है यार इस साइड से चलने को, लेकिन ये बहुत अंदर तक जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं,
कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। एक हिसाब से ये ना पानी में ही रहते हैं। और ये है कुछ बिजलियों का कनेक्शन यहाँ से, इस वाले साइड से। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ इस साइड की ज़िंदगी कैसी है, ये लोग कैसे रहते हैं। ये ना बहुत ही गरीब होते हैं, तो इनको गुजारा नहीं होता है कि ये कंक्रीट का मकान बनाए, कंक्रीट के घर बनाए। अब इन्होंने ऐसे ही मकानात बनाए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या सीन है साइड से। लेकिन हैरत की बात ये है कि यहाँ पर भी स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं इन बिचारों को। तो ये देखो स्मार्ट मीटर्स, मुझे लगता है मुश्किल से ये अपना गुजारा कर पाते हैं। तो यहाँ से भी स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, तो ये तो जुल्म मुझे लगता है इनके ऊपर। खैर ये तो अब गवर्नमेंट ने इन्होंने अलॉट किया है, तो मुझे उसकी ओर नहीं जाना है। तो मुझे तो आपको बस दिखाना है कि यहाँ का रहन सहन कैसा है। तो देखते हैं आगे कहाँ हम जाएंगे। और ये देखिए इन्होंने शायद यहाँ पर नया बनाया है, मकान भी नहीं कह सकते लेकिन मकान ही है। और कंक्रीट वंक्रीट नहीं, ये देखो ना बेस किस पे है। तो सर्दियों में तो शायद इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा आगे करते हैं सफ़र, और आगे भी देखते हैं कैसा सीन रहेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर मेरे को कारीगर मिल चुके हैं, तो ये ना यहाँ पर नाव बना रहे हैं। मैं आपको भी थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा। आज तक तो मैंने देखा ही नहीं है कि नाव कैसे तैयार की जाती है, लेकिन इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम। सलाम अलैकुम। सर आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। आप अभी क्या कर रहे हो? शिकारा बनाते हो? अच्छा शिकारा, ठीक। और यहाँ पर चाचा भी है अभी? वो बड़ा उस्ताद है, आप छोटे उस्ताद हो? अच्छा ठीक। ये कील है, ये गर्म करना है, गर्म कर वो बताता है जगह उधर। जरा आप कील दिखाइए। ये कील, अच्छा ये गर्म करनी पड़ती है? ये गर्म कर लगाएंगे उसमें ऐसे। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा आपका नाम क्या है? हबीबुल्ला। अभी आप नाव तैयार कर रहे? शिकारा बना रहे हो? ये कौन सी लकड़ी है? देवदार लकड़ी। सबसे खतरनाक जिसको हम कहेंगे लकड़ी, मजबूत। अच्छा ये जंगल से आप लाते हो? ठीक। और कम से कम कितना टाइम लगेगा इस नाव को तैयार होने में? नौ दिन, 8.5-9 दिन। तो खर्चा कितना लगता है? 25,000 सिर्फ बनाने का, और लकड़ी का खर्चा अलग 2-2.5 लाख। अरे बाप रे बाप। हाउस बोट भी बनाते हैं, शिकारा भी बनाते हैं। हाउस बोट भी? हाँ बिल्कुल, हाउस बोट भी पहले में बनाता था। तो उसमें कितना टाइम लगता होगा हाउस बोट में? 2-4 महीना लग जाता है। काफी टाइम लगता है। जैसे कि आप हम पीछे देख रहे हैं ये वाले हाउस बोट्स, ठीक है, हाउस बोट वगैरह बड़े बड़े जो 120 फुट हो गए, 110। अच्छा ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कारीगर से भी मुलाकात करवाई आपको और दिखाया आपको। ये लकड़ी ना देवदार लकड़ी होती है, जो कि बहुत ही महंगी भी पड़ती है और परमिशन भी लानी पड़ती है इस वाली लकड़ी को। तो
टाइम भी लगता है, लगभग एक दो हफ्ते लगते हैं, और ढाई से 3 लाख तक तैयार होती है ये वाली नाव। देख लो भाई ये कैसा होता है, इसको इसीलिए गर्म कील घुसानी पड़ती है क्योंकि ये लकड़ी बहुत हार्ड होती है तो इजीली अंदर नहीं घुसती है ना जी सर, तो इसलिए इसको ना पहले गर्म किया जाता है ताकि इजीली लकड़ी में जा सके। इसीलिए देवदार लकड़ी सबसे मजबूत लकड़ी होती है, इसको हजारों साल अगर पानी में रखा जाएगा ना तो भी ये खराब नहीं होती है। तो आज मैंने आपको नाव भी दिखाई कैसे बनती है। तो ये देखिए इस साइड से शिकारा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वाले साइड से टूरिस्ट बहुत ही काम आते हैं। तो ये है कुछ अनसीन प्लेस ऑफ कश्मीर जो कि हर कोई नहीं देख पाता है इस वाले साइड से। तो व्यूअर्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये वाली जगह, तो यहाँ पर हाउस बोट्स को रिपेयर किया जाता है। तो अभी हाउस बोट अभी आप देख रहे होंगे अभी ना ज़मीन पर है, तो उस वाले साइड से है पानी। दिस इज़ अ वर्कशॉप ऑफ हाउस बोट। तो वो है गेट, वहाँ पर है गेट, उस साइड से पानी आता है तो वो वाला गेट बंद किया जाता है। तो ये है ना ये वाला मोटर है, तो फिर मोटर से यहाँ पर पानी फिल किया जाता है तो इसकी वाटर लेवल फिर ऊपर तक आती है, तो आराम से बोट भी यहाँ पर आ सकता है, नाव भी आ सकती है। तो फिर वापस वाटर लेवल निकाला जाता है। तो जैसा कि भी आप देख रहे हैं ये वाली हाउस बोट अभी ज़मीन पर है कंक्रीट पर, ये इसकी वजह से है, इस वाले मोटर की वजह से। तो ये भी एक हिसाब से अगर हम कहें कि हिडन प्लेस इन कश्मीर जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, कहना गलत नहीं होगा। तो ये वाली जगह जो है ये डल लेक के अपोजिट साइड से पड़ती है, और वो देखिए वो है शंकराचार्य का टेंपल, तो इसके अपोजिट पड़ती है। यहाँ से ज़्यादा ना टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो ना ही ज़्यादा लोकल्स आते हैं क्योंकि उनको यहाँ से कोई काम नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये जगह ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। तो आज मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की इस वाले व्लॉग में। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। मैम आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र थाना से। महाराष्ट्र से आप? हाँ। तो मैम मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप कश्मीर आए हो, आपको कैसा लगा अभी? कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे घूमने के लिए भी जगह बहुत अच्छी है। ठीक। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे डक हाउस में आए हुए हैं। सही बात है। तो ये पानी में जो भी यहाँ पे घूमने की जगह है, जो भी बहुत सारे पॉइंट है, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग यहाँ पे जो भी 4.5 लाख के ऊपर जो लोग यहाँ पे रह रहे पानी के अंदर, वो कैसे रह रहे, कैसे जी रहे, वो हम लोगों ने देखा। बहुत ही सुंदर और अच्छा नजारा है यहाँ पे। मौसम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मौसम बहुत ही नेचुरल है, खूबसूरत है। जैसे कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा खूबसूरत जगह है वो कश्मीर है, तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और लोगों को बहुत यहाँ का मौसम जो है भाता है। तो मैं बताऊंगी कि हर एक आदमी ने कोशिश करनी चाहिए कि एक बार तो आके कश्मीर घूमे और अपने यहाँ का जो है नज़ारा महसूस करे। यहाँ पे किसी चीज का डर नहीं लग रहा है, यहाँ पे जैसे कि आर्मी है, पुलिस है, तो उसकी वजह से बहुत सारी सेफ्टी यहाँ पे है महसूस हो रही है, किसी भी चीज का यहाँ पे कोई डर नहीं है। ओके, थैंक यू। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे कुछ टूरिस्ट जो कि बाहर से आए थे, उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा। ये देखिए ये है सबसे छोटी नाव डल लेक में, सबसे छोटी नाव।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाओ ताकि मेरी हर एक वीडियो पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।